दोस्तों, काफी लोग सोचते हैं कि जिस तरह की बेहतरीन मूवीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा में ही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे देश की खूबसूरती ही ये है कि यहाँ अलग अलग कल्चर और भाषाओं में सैकड़ों फिल्में बनती हैं। पर साथ में दुर्भाग्य भी ये है कि इसी वजह से कुछ अच्छी फिल्में भी सिर्फ अपने इलाके तक ही सीमित रह जाती हैं। इसलिए मैं ऐसी ही फिल्मों को आप तक लाने का काम करता हूँ जिनकी स्टोरी से लेकर पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिल को छू जाए। और ऐसी ही एक गुजराती मूवी मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है गुजरात के वडोदरा शहर से, जहाँ हम बच्चू भाई नाम के आदमी को देखते हैं। बच्चू भाई रोज की तरह जल्दी उठकर अपनी वाइफ निर्मला को जगाते हैं, लेकिन जब वो उठने से मना कर देती है तो बच्चू भाई खुद उठकर चाय बनाने चले जाते हैं। इसके बाद दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं और फिर बच्चू भाई अपने काम पर निकल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों की कोई संतान नहीं है, लेकिन इस बात का दोनों को कोई मलाल भी नहीं है। दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जीते हैं। बच्चू भाई दरअसल एक सोलार पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनी में इंजीनियर हैं और वहाँ वो पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। इसी वजह से वो वहाँ सबसे उम्र दराज होने के साथ साथ सबसे एक्सपीरियंस्ड भी हैं। उनको किसी भी काम में कोई गलती पसंद नहीं। वो अपने वर्कर्स के साथ साथ उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत को भी थोड़ी सी गलती के लिए टोक देते हैं। अब वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको अपनी नॉलेज पर घमंड है, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि छोटी सी भी गलती से कंपनी को बाद में कोई बड़ा नुकसान हो। अब एक दिन जब वो काम करते वक्त ऑफिस में होते हैं तो लाइट चली जाती है, जिससे उनको गर्मी लगने लगती है। इसलिए वो फौरन अपने पास पड़ी एक खाली प्लास्टिक की बोतल को तोड़कर उससे एक फैन बना लेते हैं और खुद की हवा का इंतजाम कर लेते हैं। ये देखकर उनके पास बैठा आदमी उनसे काफी चिढ़ जाता है। अब अगले सीन में हम डोरी नाम की एक कोरियाई एनआरआई को देखते हैं, जो इस वक्त कोरिया से पढ़ने के लिए इंडिया आई है और इंटर्नशिप करने के लिए अपने कॉलेज से इस कंपनी में भेजी गई है। अब कंपनी का एक आदमी उसे सारे स्टाफ के बारे में बताते हुए लास्ट में बच्चू भाई से मिलवाता है। मिलवाने से पहले वो बता देता है कि बच्चू भाई थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ तुमको यही सब काम सिखाएंगे। बच्चू भाई डोरी से कहते हैं कि मैं तुमको वो सब सिखाऊंगा जो मुझे आता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन में रहना होगा। पर उससे भी पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम गुजराती कैसे बोल रही हो, तुम तो कोरिया से आई हो ना। डोरी उनको बताती है कि उसे गुजराती आती है क्योंकि उसके पिता गुजराती हैं और माँ कोरियाई। अब अगले दिन से बच्चू भाई उसको हर मशीन की जानकारी देना शुरू कर देते हैं और इसके बीच बीच में डोरी मशीनों के साथ अपनी सेल्फी लेने लगती है। बच्चू भाई कहते हैं ये फोटो खींचने की नहीं बल्कि काम करने की जगह है, जिस पर डोरी कहती है कि मैं फोटो इसलिए खींच रही हूँ ताकि मैं इस मशीन के बारे में याद कर सकूँ कि ये काम क्या करती है। बच्चू भाई कहते हैं तो फिर मोबाइल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करो, फोन में देखने पर याद आएगा, इसका मतलब तुम ठीक से मेरी बातें नहीं सुन रही हो। अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें फोटो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डोरी उनकी बात को उस वक्त तो मान लेती है, लेकिन उसकी ये हरकत अगले दिन फिर से शुरू हो जाती है। इससे परेशान होकर बच्चू भाई भरत के पास आकर कहते हैं कि सर मैं इस लड़की को काम नहीं सिखा सकता, प्लीज इसको यहाँ से भेज दीजिए। भरत कहता है कि बच्चू जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये इंटर्नशिप के लिए आई है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमारे सबसे सीनियर आदमी को उसे सब कुछ सिखाना होगा, इसलिए अब जैसे भी हो आपको ही इसे सब कुछ सिखाना होगा। बेचारे बच्चू भाई उस दिन अपना मुंह लटकाए घर आकर बीबी को सारी बातें बताते हैं। उनकी बीवी निर्मला कहती है कि आप परेशान मत होइए, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप भी उसकी मुश्किल समझिए, उसे इंटर्नशिप करनी है और उसके लिए उसे नोट्स बनाने होंगे तो उसे फोटोज भी चाहिए होंगी, आप ये सब नहीं समझेंगे क्योंकि आप ग्रेजुएट नहीं है, इसलिए चलिए छोड़िए इन सब बातों को और मेरे साथ डांस कीजिए। इस तरह डांस के बहाने निर्मला बच्चू भाई के दिमाग को ठीक करने की कोशिश करती है। अब इसी डांस के बीच बच्चू भाई निर्मला को बताते हैं कि हर साल की तरह कल मेरा इंटरव्यू है और इस बार मुझे प्रमोशन मिल जाएगा क्योंकि मुझे 30 साल हो चुके हैं। खैर अब अगले दिन बच्चू भाई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहां उनकी कंपनी का हेड कोरिया से आया होता है और साथ में उनका मैनेजर भी होता है। कोरिया से आया हेड उससे कई सवाल करता है जिसको मैनेजर ट्रांसलेट करके बच्चू भाई को बताता है। बच्चू भाई सारे सवालों का सही जवाब देते हैं और हेड इस बात से बेहद खुश हो जाता है। लास्ट में वो उनसे उनकी क्वालिफिकेशन पूछता है तो पता चलता है कि वो ग्रेजुएट नहीं है। मैनेजर कहता है कि बच्चू भाई सर बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप प्रमोशन तो दूर अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे।
क्योंकि कंपनी के नए नियम के हिसाब से कम एक एम्प्लॉय को ग्रेजुएट होना जरूरी है। बच्चू भाई खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि मैंने इस कंपनी में 30 साल काम किया है सर, और भरत के पिता मेरे करीबी दोस्त थे जिनकी वजह से मुझे ये काम मिला, और मैंने आज तक सारा काम टाइम पर और जिम्मेदारी के साथ किया है, इसलिए इस बीच मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हेड उनकी किसी भी दलील को मानने से मना कर देता है, तो गुस्से में वो उस हेड की कॉलर पकड़ लेते हैं। भरत उनसे कॉलर छुड़वाता है और समझाता है कि आप छोटी पोस्ट पर काम कर लीजिए, कंपनी से आपको कोई नहीं निकालेगा। लेकिन बच्चू भाई अपनी बात से पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता होते तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता, उन्हें मेरी असली परख थी। भरत बेचारा खुद कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं चाहता कि बच्चू भाई यहाँ से जाएं। लेकिन अगले दिन बच्चू भाई को फोन आता है कि हेड से बदसलूकी करने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर बच्चू भाई को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो काम को अपना कर्म, ऑफिस को अपना घर और वर्कर्स को अपना परिवार मानते थे, लेकिन आज उन्हें ये सब छोड़कर जाने को कहा जा रहा था। वो जाकर अपनी डेस्क खाली कर देते हैं और उस ऑफिस से निकल पड़ते हैं। उनके जाने की खबर से पूरा ऑफिस इमोशनल हो जाता है। भले ही वो सभी को डांटते हों, लेकिन सभी उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे और उनके जुनून को समझते थे। डोरी भी उनको जाते देख इमोशनल होकर रोने लगती है, क्योंकि वो भी दिल से उनकी रिस्पेक्ट करती थी। घर आकर बच्चू भाई बेहद परेशान हो जाते हैं। अब ये बात वो अपनी वाइफ को बताने के लिए उसको आवाज देते हैं, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि निर्मला किचन में बेहोश पड़ी है। वो फौरन निर्मला को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां भरत भी पहुंच जाता है। होश में आने पर निर्मला पूछती है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। बच्चू भाई उससे झूठ बोलते हैं कि काफी अच्छा गया। अब उनकी शक्ल देखकर निर्मला कहती है कि आप जॉब भले ही 30 साल से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको उससे भी पहले से जानती हूँ, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ये सुनकर बच्चू भाई कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो निर्मला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे डिग्री ना होने की वजह से आज कंपनी से निकाल दिया गया है। निर्मला कहती है कि वाह, ये तो अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, अपनी डिग्री के लिए कॉलेज में अप्लाई कीजिए ताकि आप ग्रेजुएट हो सकें। बच्चू भाई कहते हैं कि मैं इस उम्र में ग्रेजुएशन करने जाऊंगा, क्या यह अच्छा लगेगा। तो इस पर निर्मला कहती है कि इसमें क्या है, पढ़ने और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए आप ट्राई कीजिए, देखिएगा आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। दरअसल निर्मला जानती थी कि बच्चू भाई अगर ग्रेजुएट होकर वापस कंपनी में जॉब पर नहीं गए तो वो अपना आत्मविश्वास खो देंगे और उनका मनोबल टूट जाएगा। वहीं उसको ये भी पता था कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो कुछ ही पल की मेहमान है। इधर डॉक्टर भी बच्चू भाई को उनकी बीवी की इस हालत के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद बच्चू भाई अंदर ही अंदर रोने लगते हैं, लेकिन अपनी बीवी के सामने सही होने का नाटक करते हैं। इस बीच निर्मला कहती है कि आपको ये मेरे लिए करना पड़ेगा, ये मेरी आखिरी इच्छा है, आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। बेचारे बच्चू भाई अपनी बीवी को कोई जवाब नहीं दे पाए, और इतने में अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए ही निर्मला गुजर जाती है। निर्मला के जाने के बाद अब बच्चू भाई के मन में ग्रेजुएशन का भूत सवार हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बीवी की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते थे। वो अगले दिन ही सीधे कॉलेज में जाकर एडमिशन की मांग करते हैं, पर कोई भी कॉलेज उनको अपने यहाँ एडमिशन नहीं देता। हार कर वो इस बारे में भरत से बात करते हैं, तो वो अपने कॉन्टेक्ट के हिसाब से एक कॉलेज को उनकी ग्रेजुएशन के लिए मना लेता है और बच्चू भाई को सीधे फाइनल ईयर में दाखिला दिलवा देता है। अब बच्चू भाई जैसे तैसे पहले दिन अपने कॉलेज में पहुंचते हैं, जहां क्लास में एंटर होते ही टीचर उनसे कहता है कि सर यहां पेरेंट्स अलाउड नहीं है, पर बच्चू भाई कहते हैं कि मैं क्लास का नया स्टूडेंट हूं। ये सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगते हैं, और तभी टीचर उनको इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। बच्चू भाई जैसे तैसे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में अपना इंट्रो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीचर अब ज्यादा पीछे ना पड़ते हुए उनको बैठने के लिए कह देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डोरी भी उसी क्लास की स्टूडेंट है, और वो बच्चू भाई को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सभी से कहती है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री ना होने की वजह से इनकी नौकरी चली गई, इसलिए ये यहाँ डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ने आए हैं। ये सुनकर बच्चे उनको रेस्पेक्ट की नज़र से देखने लगते हैं, और बच्चू भाई भी डोरी के इस सपोर्ट से काफी खुश हो जाते हैं। अब एक लेसन के चलते बच्चू भाई और डोरी के बीच डिस्कशन चल रहा होता है कि तभी टीचर उनको तेज आवाज होने की वजह से क्लास से बाहर खड़ा कर देता है। इतनी देर में वहाँ से प्रिंसिपल विलियन गुजर रहा होता है, जो डोरी से कहता है कि तुम क्लास के अंदर कम और बाहर ज्यादा दिखती हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद वो बच्चू से भी थोड़ा एटीट्यूड में बात करता है और कहता है कि आप भी अपनी डिग्री पर ध्यान दीजिए, यहाँ आपको बिना पढ़े डिग्री नहीं मिलेगी। बच्चू भाई को ये सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है,
पर वो मजबूर होता है इसलिए कुछ नहीं कहता। इसके बाद डोरी बच्चू भाई से कहती है कि आप उनकी बात पर गुस्सा मत होइए, वो खड़ूस इंसान है। इतने में बच्चू भाई वहाँ से चले जाते हैं और अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। दरअसल आज वो अपनी बीवी को बहुत मिस कर रहे होते हैं। खैर अगले दिन वो वापस कॉलेज आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का अपना मुंह लटका कर बैठा होता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। वो लड़का अपना नाम आगम बताता है और कहता है कि मुझे मोटू नाम का लड़का बहुत परेशान करता है, वो सीनियर है और सभी जूनियर्स की बहुत रैगिंग करता है, इसलिए मुझे कॉलेज आने में डर लगता है। बच्चू भाई कहते हैं बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ कैंटीन चलो, उसको आने दो, मैं देख लूंगा। इसके बाद वो दोनों कैंटीन पहुंचते हैं जहां मोटू बाकी बच्चों के साथ रैगिंग कर रहा था। बच्चू भाई अब आगम को मारते हुए ही नाटक करते हैं और कहते हैं कि मैं यहां का एंटी रैगिंग ऑफिसर हूं, मेरा नाम जोरावर है। अब ये सुनते ही मोटू थोड़ा डर जाता है और उसके चेहरे की शिकन को देखकर बच्चू भाई उसको भी मारने लगते हैं और गन निकालने की बात कहते हैं। ये सुनते ही मोटू की पैंट गीली हो जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। आगम बच्चू भाई के दिमाग को मान जाता है और उस दिन से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस बीच नलिन नाम का एक लड़का भी बच्चू भाई के पैरों में आकर गिर जाता है और उनको थैंक यू बोलता है, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते तो मोटू उसकी भी रैगिंग करके उसे परेशान करता। और इस तरह अब ये तीनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब नलिन और आगम मिलकर कॉलेज में होने वाले सालाना फेस्ट में परफॉर्म करने की तैयारी करते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, उनको इसके लिए 4 लोगों की टीम चाहिए जबकि वो सिर्फ 2 हैं। इसके बाद वो तीसरे मेंबर के तौर पर डोरी को ले लेते हैं, जबकि फोर्थ प्लेस के लिए वो बच्चू भाई से जुड़ने के लिए कहते हैं, पर बच्चू भाई उनसे ये कहकर मना कर देते हैं कि मैंने कभी किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया और वैसे भी मेरा काम डिग्री लेना है, इसलिए तुम इसके लिए किसी और को ढूंढ लो। अब कुछ दिनों बाद जब वेल्डिंग की क्लास शुरू होती है तो बच्चू भाई भी वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि प्रोफेसर तो क्लास में है ही नहीं, इसलिए वो बच्चों से प्रोफेसर के बारे में पूछते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो यही हैं, लेकिन किसी से बात करने में बिजी हैं। अब ये देखकर बच्चू भाई को गुस्सा आ जाता है। वो सोचते हैं कि अगर ऐसा ही चला तो एग्जाम में वो क्या लिखेंगे, इसलिए वो खुद उस शोल्डरिंग और वेल्डिंग के काम को बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो ये काम अपने वर्कर्स को भी सिखाते थे। इस बीच प्रोफेसर वहाँ आ जाता है और पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। बच्चू भाई कहते हैं कि सर मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए ये बच्चे आपका 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, अब आप नहीं आए तो मैंने ही इनको बता दिया कि वेल्डिंग कैसे होती है। ये सुनकर वो प्रोफेसर चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे सभी प्रोफेसर बच्चू भाई के इन कामों से परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो हर किसी के काम में गलतियाँ निकालते रहते थे, इसलिए वो सभी मिलकर अब विलीन यानी प्रिंसिपल से बच्चू भाई की शिकायत करते हैं और बच्चू भाई को बुलाया जाता है। शुरू में तो विलीन बच्चू भाई से अच्छे से बात करता है, लेकिन बाद में वो फिर से खड़ूस बनने लगता है। हालांकि बच्चू भाई कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ डिग्री लेने आया हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा, ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम विलीन को देखते हैं जो मन ही मन कहता है कि डिग्री तुम्हारा सपना ही बनकर रह जाएगी, मैं कभी तुम्हें ये हासिल करने नहीं दूंगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बचपन में विलीन और बच्चू भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे और उस वक्त बच्चू भाई ने विलीन के गाल पर थप्पड़ मारा था। अब इसी थप्पड़ का बदला विलीन लेना चाहता है। इस बात का अंदाजा अब बच्चू भाई को भी हो जाता है, जिसके बाद वो विलीन को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। हार मानकर अब वो भरत को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप मेरा एडमिशन दूसरी जगह करवा दो, क्योंकि यहाँ का प्रिंसिपल मुझे डिग्री नहीं लेने देगा। भरत कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि वो शुरू में ही सभी कॉलेजेस में बात कर चुका था और इसके अलावा और कोई कॉलेज उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। ये सुनकर बच्चू भाई अब और परेशान हो जाते हैं। अब एक दिन बच्चू भाई आगम से किसी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। तभी वो उसके लिए डोरी से मिलते हैं। उधर डोरी को भी अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट में किसी की हेल्प चाहिए होती है, इसलिए अब वो तीनों एक साथ कार में बैठकर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा दिन इन दोनों के साथ बिताकर आज बच्चू भाई थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। घर वापस आकर वो देखते हैं कि उनका वो म्यूजिक वाला ग्रामोफोन बेकार पड़ा हुआ है, इसलिए पहले तो वो उसको सही करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे एक कबाड़ी को बेच देते हैं। अब यहाँ से सीन फिर से कॉलेज में आता है, जहाँ बच्चू भाई को बर्नौली थ्योरम समझने में दिक्कत हो रही थी, तो आगम उन्हें एक आइडिया देता है। वो पूछता है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। इस पर बच्चू भाई उसे अपना वो सॉन्ग बताते हैं और उसकी सॉन्ग की धुन पर गाना गाते हुए वो उनको वो थ्योरम याद करवा देता है। यहाँ ये देखकर बच्चू भाई को निर्मला की याद आ जाती है, जिसने कहा था आजकल के बच्चे शॉर्टकट जरूर ढूंढते हैं, लेकिन ये अच्छा भी है, अगर वो इतनी जल्दी चीजों को नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे।
अब फेस्ट कंपटीशन के लिए आगम और डोरी को अपना चौथा पार्टिसिपेंट नहीं मिलता, तो वो फिर से बच्चू भाई का ही नाम लिखवा देते हैं और बच्चू भाई भी अब इसमें कुछ नहीं कर पाते। खैर, अब उनकी पढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है और वो इस बीच आगम और डोरी को सोलर साइकिल बनाना भी सिखाते हैं। फिर एक दिन उनकी नज़र एक औरत पर पड़ती है जो गरीब होने की वजह से तालाब के गंदे पानी को पीने के लिए भरकर ले जाती है। ये देखकर बच्चू भाई का दिमाग हिल जाता है। दरअसल अपने काम में इतने साल लगे रहने की वजह से उन्हें आम आदमियों की दिक्कतों का एहसास नहीं था। वो सोचते हैं कि जमाना बदल चुका है, लेकिन ये सच्चाई उनके दिल को हिला देती है। अब सीन यहाँ से कॉलेज में आता है जहाँ सभी का पहला एग्जाम होता है। डोरी और आगम को डर होता है कि कहीं इंग्लिश की वजह से बच्चू भाई अपने एग्जाम में फंस ना जाए। ये सोचकर डोरी एग्जाम से पहले उनके पास जाती है और उनके हाथ में एक चिट देकर कहती है कि इसको अपने पास रख लीजिए, ये आपके काम आ सकती है। इसके बाद बच्चू भाई वहाँ से एग्जाम में चले जाते हैं और पूरे एग्जाम को अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन आखिरी सवाल पर आकर वो अटक जाते हैं। इस बीच उन्हें डोरी की वो चिट याद आती है। वो उसको निकाल कर देखते हैं तो उसमें लिखी इन्फॉर्मेशन से उनका वो क्वेश्चन भी हल हो जाता है, लेकिन तभी उनसे एक गलती हो जाती है। वो चिट उनके हाथ से गिर जाती है और जब वो उसको उठाने लगते हैं तो इतने में दूसरी तरफ खड़ा विलीन उनको देख लेता है और वो आकर उस चिट को उठा लेता है। ये देखकर तो बच्चू भाई के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद होश में आने पर वो समझ जाते हैं कि ये चीज अब उनको बहुत भारी पड़ने वाली है, और ऐसा होता भी है। अगले दिन विलीन उन्हें बुलाकर कहता है कि बच्चू भाई, चीटिंग करने की वजह से तुम्हें कॉलेज से निकाला जा रहा है। बच्चू भाई विलीन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद दुखी होकर और अपनी बीबी की आखिरी ख्वाहिश के बारे में सोचकर बच्चू भाई बाहर आ जाते हैं। यहाँ आगम और डोरी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी बच्चू भाई डोरी पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उसी ने वो चिट उनको दिया था, लेकिन बेचारी डोरी को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, वो तो उनकी मदद करना चाहती थी। इसके बाद बच्चू भाई घर आ जाते हैं और अपनी बीबी को याद करते हुए उससे बात करने लगते हैं। निर्मला का अक्स उनसे बात करने लगता है और कहता है कि आप बचपन में हुई बातों के लिए विलीन से माफी मांग लीजिए, उससे सब ठीक हो जाएगा। बच्चू भाई ये सुनकर थोड़ा सोचते हैं और फिर विलीन के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जैसे ही विलीन उनको देखता है तो वहां से उन्हें जाने के लिए कहता है। इसके बाद बच्चू भाई उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि माफी मांगकर बात को खत्म कर सकें और वापस कॉलेज जा सकें, लेकिन विलीन का इरादा ऐसा करने का नहीं होता। इसके बाद दूसरे दिन बच्चू भाई सीधे कॉलेज पहुंच जाते हैं ताकि वो विलीन से बात कर सकें, लेकिन तभी उन्हें विलीन के कमरे से कॉलेज के मैनेजमेंट मेंबर्स की आवाज सुनाई देती है जो विलीन से कह रहे थे कि बच्चू भाई का कॉलेज से निकाला जाना ठीक नहीं है। चारों तरफ शहर में चर्चा है कि इस कॉलेज में एक सीनियर सिटीजन पढ़ रहा है और इससे कॉलेज की इमेज को फायदा हो रहा है। ऊपर से फेस्ट की तैयारियां भी चल रही हैं, इसलिए बच्चू भाई को वापस कॉलेज में आने दिया जाए। अब मैनेजमेंट के डिसीजन के आगे विलीन कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो उनकी बात मान जाता है, लेकिन ये बात बाहर खड़े बच्चू भाई को पता चल जाती है और वो अब वहाँ से खुश होकर चले आते हैं। इसके बाद विलीन खुद उनके घर आकर उन्हें आने के लिए कहता है, तो शुरू में बच्चू भाई थोड़े नखरे करते हैं, लेकिन फिर वो इस शर्त पर आने को तैयार हो जाते हैं कि उसे कॉलेज में किसी चीज के लिए रोका या टोका ना जाए। विलीन आखिर में इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद बच्चू भाई कॉलेज में वापस आ जाते हैं। वापस आने पर डोरी उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे अभी भी नाराज होते हैं। इसके बाद आगम और नलिन उनसे फेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने को कहते हैं, लेकिन बच्चू भाई कहते हैं कि मैं डोरी के साथ ये प्रैक्टिस नहीं करूंगा, इसलिए अगर प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें मेरे घर चलना होगा। जिसके बाद आगम और नलिन उनके घर आ जाते हैं। घर आकर बच्चू भाई देखते हैं कि कंपनी वाले उनके घर का सामान ले जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ये घर भी कंपनी ने ही दे रखा था। बेचारा भरत भी इसमें उनकी मदद नहीं कर पा रहा था और उसको इस बात का बहुत अफसोस भी था। लेकिन तभी बच्चू भाई को फिर से निर्मला दिखती है जो कहती है कि घर के लिए अफसोस मत करो, ये फिर से वापस मिल जाएगा, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इसके बाद बच्चू भाई थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और फिर प्रैक्टिस के लिए आगम उन्हें अपने हॉस्टल चलने के लिए कहता है। प्रैक्टिस के बाद आगम कहता है कि मुझे पता है आपका घर अभी आपके पास नहीं है, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आता तब तक आप हमारे रूम में रह सकते हैं। ये सुनकर बच्चू भाई खुश हो जाता है और वहाँ रहने के लिए मान जाता है, लेकिन इस बीच मोटू उन्हें पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बच्चू भाई कोई एंटी रैगिंग ऑफिसर नहीं बल्कि इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। लेकिन अपने दिमाग के चलते बच्चू भाई वहाँ से बच निकलते हैं और वापस आगम के रूम में आकर सो जाते हैं। पर अगले दिन जब वो उठते हैं तो मोटू अपने दोस्तों के साथ वहाँ आकर उनको मारने ही वाला होता है कि तभी उसका पेट खराब हो जाता है। इसके ठीक बाद अब मोटू के दोस्त का भी पेट खराब हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
यहाँ से सीन इवनिंग में आता है जहाँ आगम और नलिन का पेट भी खराब हो रहा था। इसलिए बच्चू भाई सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ इतने लोगों का पेट खराब हो रहा है। पड़ताल करने पर उन्हें पता चलता है कि ये असल में उसी पानी का नतीजा है जो सभी स्टूडेंट्स पी रहे हैं। दरअसल कई सालों से हॉस्टल का पाइप बदला नहीं गया है, जिस वजह से उसमें जंग लग गई है और बच्चे उसी पानी को पी रहे हैं। इसके बाद बच्चू भाई हॉस्टल के सभी बच्चों को बुलाते हैं और खुद एक वेव वाटर प्यूरिफायर बनाते हैं जो साउंड वेव से पानी को प्यूरिफाई करता है। उनके इस आविष्कार को देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और यहाँ तक कि मोटू भी अब उनकी रेस्पेक्ट करने लगता है। वो कहता है कि अब हम सभी को पार्टी करनी चाहिए। इस बीच डोरी वहाँ आकर बच्चू भाई से सॉरी कहती है, लेकिन वो अभी भी उससे बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे आगम भी जाता है और उनसे कहता है कि आप डोरी को माफ कर दीजिए, वो तो आपके लिए वो चिट लाई थी ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। उसे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। बच्चू भाई आगम की बात को सोचते हैं और इसके बाद वो भरत को फोन करके डोरी के लिए एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर भी लिखवाते हैं और दूसरे दिन उस लेटर को लेकर सीधे कॉलेज पहुंचते हैं। वहां वो सभी के सामने उस लेटर को पढ़ते हुए डोरी की तारीफ करते हैं और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। डोरी भी अपने लिए उनसे माफी मांगती है और इमोशनल होकर रोने लग जाती है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद सभी लड़के हॉस्टल में पार्टी कर रहे होते हैं और इसी बीच आगम भी थोड़ी सी बच्चू भाई को पिला देता है, जिसके बाद एक अच्छा सा गाना चलता है और माहौल खुशनुमा हो जाता है। अब सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है जहां फेस्ट शुरू होता है और सभी टीमों के साथ आगम की टीम भी उसमें हिस्सा लेती है। धीरे धीरे वो सभी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और कुछ में जीतते हैं तो कुछ में हार जाते हैं। फाइनली अब क्विज कंपटीशन शुरू होता है जहां सभी टीम्स जवाब देना शुरू करती है, लेकिन बच्चू भाई की टीम कोई जवाब नहीं दे पा रही होती और ये देखकर विलीन काफी खुश हो रहा होता है। अपनी टीम को हारते देख बच्चू भाई को ठीक नहीं लगता और वह नलिन की पीठ को थपकी मारते हुए कहते हैं कि तुमने क्विज की तैयारी की थी ना, फिर अब चुप क्यों हो। उस थपकी से अचानक नलिन सारे सवालों के जवाब देने लगता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नलिन के पिता जब भी उसे कुछ याद करवाते थे तो वो उसको थपकी दिया करते थे। खैर अब आखिरी राउंड आता है जिसमें सही जवाब देने वाला फाइनल में पहुंच जाता है और इसी बीच जल्दबाजी में क्वेश्चन पूरा होते ही बच्चू भाई के हाथ से बजर प्रेस हो जाता है। अब ऐसा हो तो जाता है लेकिन बच्चू भाई उस क्वेश्चन का जवाब भूल जाते हैं। तभी अचानक पास बैठे एक आदमी का मोबाइल बजता है जिसमें बच्चू भाई का फेवरेट सॉन्ग रिंगटोन पर चल रहा था। उसको सुनते ही बच्चू भाई को वो ट्रिक याद आ जाती है जो उन्होंने आगम से सीखी थी और इसी के सहारे वो उस क्वेश्चन का जवाब देकर फाइनल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन विलीन को ये अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन विलीन को बच्चू भाई का पार्टी वाला वीडियो मिलता है जिसमें वो पीकर नाच रहे थे। इसलिए विलीन उनको अपने पास बुलाकर कहता है कि आपने हॉस्टल में बच्चों के साथ शराब पी और नाच गाना किया, इसका मेरे पास सबूत है। जब सभी लोग इसको देखेंगे तो आपको इस कॉलेज से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ बच्चू भाई समझाते हैं कि मैं बच्चों की मदद कर रहा था ताकि पानी साफ हो सके, पार्टी का आइडिया मेरा नहीं था। लेकिन विलीन को तो बहाना चाहिए था इसलिए वो बच्चू भाई की बात नहीं मानता। लेकिन आखिर में रिक्वेस्ट करने पर विलीन उनके सामने एक शर्त रखता है कि अगर आपको कॉलेज से डिग्री हासिल करनी है तो फिर उस फाइनल परफॉर्मेंस में मत जाना, आपको अपनी डिग्री मिल जाएगी। इतना कहकर विलीन तो चला जाता है लेकिन बच्चू भाई कश्मकश में फंस जाते हैं। एक तरफ उनके बच्चे जैसे दोस्त थे और दूसरी तरफ उनकी बीबी की ख्वाहिश। खैर अब सीन फाइनल परफॉर्मेंस पर आ जाता है जहां सभी टीम्स को कबाड़ से एक प्रोजेक्ट बनाकर देना था। सभी टीम्स अपने काम में लग जाती हैं, लेकिन आगम और बाकी लोग बच्चू भाई का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं आए होते। तभी हम देखते हैं कि बच्चू भाई बाथरूम में बैठकर सोच रहे होते हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए और इतने में वहाँ वही कबाड़ वाला आता है जिसको उन्होंने अपना ग्रामोफोन बेच दिया था। वो कहता है कि कॉलेज में जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उसके लिए कबाड़ मैंने ही दिया है। तभी बच्चू भाई को एक आइडिया आता है। वो जानते थे कि उस कबाड़ में उनका म्यूजिक प्लेयर और ग्रामोफोन भी होगा जिसे वो ठीक कर सकते हैं। वो ऐसा ही करते हैं और उस ग्रामोफोन को ठीक करके सेरेमनी में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ मैं दो प्रोजेक्ट्स लाया हूँ, एक है इस फेस्टिवल के लिए ग्रामोफोन और दूसरा है उनकी बीवी निर्मला का प्रोजेक्ट। वो सभी को अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताते हैं कि वो उनको ग्रेजुएट देखना चाहती थी। वो कहते हैं कि भले ही ग्रामोफोन का प्रोजेक्ट फेल हो जाए लेकिन निर्मला का प्रोजेक्ट फेल नहीं होना चाहिए, जिसके बाद वो ग्रामोफोन में वही सॉन्ग बजाते हैं जिसे सुनकर निर्मला उनके साथ डांस किया करती थी। वो उस सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं जिसे देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुद विलीन भी ये देखकर भावुक हो जाता है और ताली बजाने लगता है।
इसके बाद सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है, जब बच्चू भाई के साथ सभी बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाने वाली थी। यहाँ बच्चू भाई और विलीन के पुराने टीचर्स भी होते हैं। वो स्टेज पर सभी को बताते हैं कि विलीन और बच्चू भाई एक साथ पढ़ा करते थे और बच्चू भाई हमेशा विलीन से आगे रहता था। दोनों पढ़ाई में अव्वल थे और उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। ये सुनकर बच्चू भाई और विलीन के बीच की दूरियां और कम हो जाती हैं। और फिर स्टेज से डिग्री लेने के बाद बच्चू भाई आगम, नलिन और डोरी का शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के बिना निर्मला का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। तभी भरत और उसका हेड भी वहाँ होते हैं, जो बच्चू भाई से कहते हैं कि अब आपका समय आ गया है, आप वापस कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बच्चू भाई मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी तक मैंने जिंदगी अपने लिए जी है, लेकिन कभी वो नहीं सोचा जो निर्मला चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं ये जिंदगी समाज के लिए इस्तेमाल करूं। उसने जीते जी तो मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मरने के बाद उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, इसलिए अब मैं वो नौकरी नहीं कर सकता। इसके बाद बच्चू भाई उस चीज को याद करते हैं जब उन्होंने एक औरत को गंदे पानी को तालाब से ले जाते हुए देखा था, इसलिए अब वो गांव-गांव जाकर लोगों को पानी को साफ करने की ट्रिक बताते हैं और साथ में अपना वेव वाला वाटर प्यूरिफायर भी लगा कर देते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब कहने को तो इस मूवी में कोई सस्पेंस, थ्रिलर या एक्शन नहीं है, लेकिन ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आजकल ऐसी मूवी बनती ही नहीं, लेकिन शुक्र है मैं इस मूवी को आपके सामने ला पाया। अब आप अपना प्यार कमेंट में दे सकते हैं और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।